मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलावट के खिलाफ लगातार शुद्ध पर्युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। ताजा मामला झाबुआ जिले के मेघनगर का है, जहां बड़े स्तर पर नकली खाद बनाने का काम चल रहा था, जिस पर कृषि विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए 5 फैक्ट्रियों को सीज कर दिया। दरअसल झाबुआ जिले के मेघनगर में बड़े स्तर पर कई फैक्ट्रियों द्वारा अमानक खाद बनाने का काम किया जा रहा था, जिसकी किसानों द्वारा प्रशासन को लगातार शिकायतें मिलने से कृषि विभाग ने एग्रोफास बालाजी एग्रो एवं मोनी मिनरल फर्टिलाइजर समेत कई फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि बीते रोज इन्हीं फैक्ट्रियों के नकली खाद बनाने पर लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए थे, लेकिन रात के अंधेरे में चोरी छिपे नकली खाद बनाने का गोरख धंधा लगातार चल रहा था, जिस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर सभी फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। वहीं इस मामले में प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है, किसानों के साथ धोखा करने और उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। झाबुआ से सुनील डाबी की रिपोर्ट। सीलिंग करने के पश्चात भी कुछ ऐसे लुपलाइन या होल्स बना रखे हैं लोगों ने, ऐसे कुछ गेट्स बना रखे हैं जहाँ से ये अवैध प्रकार से मटेरियल्स का जो बनाना उसको डिस्पैच करना, ये गतिविधियाँ की शिकायत हुई थी। जहाँ से बाहर जा सकते हैं उनके वाहन, उस प्रकार की जगहों को जहाँ संभावना बनती है उनको सब जगह पे सीलिंग का कार्रवाई करवाती है। एग्रोफास्ट के यहाँ पे उनका पुराना जो स्टॉक है दांडेला रेसिज पीस था, वो काफ़ी समय से पुराना पड़ा हुआ है, क्योंकि उनका लाइसेंस ख़त्म हो गया। उसमें एक निर्धारित समय सीमा दी थी, उस समय सीमा में उनको डिस्पोजल करना था और निरीक्षण में पाया गया कि अभी डिस्पोजल नहीं हुआ, इसलिए उसको जो हमने क्रय विक्रय से प्रतिबंधित कर दिया। देखिए अभी जब लाइसेंस खत्म हो चुका है तो उस स्थिति में कोई भी अपने इस प्रकार की गतिविधियां जिसमें लाइसेंस का जो निर्देश है उनका वायलेशन हुआ, ऐसी स्थिति अगर पाई जाती है तो जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत जो कार्रवाइयाँ होगी वो कार्रवाई होगी। देखिए एक लंबे समय से हमारे किसान साथियों की ये शिकायतें आ रही थी कि कुछ लोग लंबे समय से हमारे किसान साथियों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का काम कर रहे थे और उनको अमानक स्तर का जो है आदान प्रदाय करने का काम किया जा रहा था। हमने इसको गंभीरता से लिया और मेघनगर में जो कार्रवाई हुई, जहां पर लगभग 5 निर्माताओं के लाइसेंस हमने निरस्त करने का काम किया और फिर एक विशेष अभियान के रूप में जो है 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है कृषि के क्षेत्र में हमने लागू किया, जिसका बहुत अच्छा समर्थन जो है हमको ना सिर्फ किसान साथियों की तरफ से बल्कि वो विक्रेता जो कि ईमानदारी से जो है किसानों की सेवा करने का काम कर रहे थे उनका भी समर्थन मिला। उन्होंने हमारी सरकार ऐसे लोगों को जो कि इस तरह का कि धोखाधड़ी करते, इस तरह का जो है फर्जीवाड़ा करते हैं, उनको हम कानून के दायरे में लाना चाहते हैं।